हाय फ्रेंड, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। हम बात करने वाले हैं कुछ इस प्रकार की एडिटिंग की जो काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो यहाँ से हम ऐड फोटो में जाएंगे और यहाँ से कुछ इस प्रकार की आप लोगों को फ़ोटो क्लिक करा लेनी है, कुछ इस प्रकार इस टाइप की। उसके बाद यहाँ से जस्ट ऐसे मतलब इरेज कर लेना है बैकग्राउंड। फिर बैकग्राउंड मैंने इरेज कर लिया ऑलरेडी। तो गाइस फाइनली कुछ इस टाइप से करके कुछ इस टाइप से सेट कर लेना। उसके बाद जस्ट की ओपासिटी को हल्का करके उसके बाद यहाँ से इरेजर पे क्लिक करना है। उसके बाद साइज में जाना है, 100 पूरा कर देना है, साइज कुछ इतना कर लेना। उसके बाद जस्ट यहाँ पे इरेज करना है ऐसे। चलो मैं फटाफट इरेज हम लोग कर लेते हैं। तभी इलास्टिक लगेगी ना, बिल्कुल नकली सी लगेगी। ऑल बैकग्राउंड एंड पीएनजी लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आप लोग डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं बैकग्राउंड एंड पीएनजी। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ से टर्न करेंगे। उसके बाद ऐड फोटो में जाएंगे, एक पीएनजी ऐड करेंगे जस्ट ये वाला। इसका फ्लिप करके ब्लेंडिंग मोड चेंज नहीं करेंगे, फ्लिप करके कुछ इस प्रकार रखेंगे। उसके बाद जैसे फिर एक और पीएनजी ऐड करेंगे जस्ट टू एरा, इसको बस फुल स्क्रीन कर देना है। उसके बाद डन। डन करने के बाद गाइस अब हम लोग शैडो बनाएंगे इसकी। तो यहाँ से ड्रो में आएंगे, ड्रो में आने के बाद यहाँ पे लेयर पे सेलेक्ट करेंगे, पट्टी लेयर एक बनाएंगे। जस्ट यहाँ से ब्रश ब्रश पे आएंगे, साइज 15, ओपेसिटी 15 रख लेंगे, साइज आप पे अराउंड जितना रख लो। इसका सेट जस्ट यहाँ पे पेंट करेंगे। ओके, एक बार बोलने पेंट करेंगे, दो बार करेंगे तो कुछ ज़्यादा ही ब्लैक हो जाएगा। ओके, तो जस्ट यहाँ पे ऐसे बस देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। ओके, तो जस्ट यहाँ से इसकी ओपासिटी अराउंड 60 कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से सेव टू डिवाइस। अब चलते हैं अपने लाइट रूम में। हेलो फ्रेंड्स, तो हम लाइट रूम में आ चुके हैं। तो यहाँ से हम ऑटो टूल प्रयोग करेंगे। तो यहाँ से क्लिक किया तो देख सकते हो गाइस, यहाँ पे आएंगे मिक्स में, कलर में आएंगे, कलर में मिक्स में जाएंगे। मिक्स में जाने के बाद इसका सेचुरेशन हल्का अराउंड 9 के, लुमिनस इसकी बढ़ा देंगे अराउंड 30 के, सेचुरेशन इसका माइनस ऑरेंज कलर का, लुमिनस 30 कर देंगे। ओके, इसको येलो कलर को हल्का बढ़ाएंगे करीब 10, डन। ग्रीन को भी हल्का बढ़ाएंगे करीब 29 के आसपास। उसके बाद इसको करीब इतना 85, ब्लू कलर को अराउंड 60 कर देते हैं। ओके, इसको छेड़ लेते हैं तो इफेक्ट थोड़ा आ रहा है, तो हम इतना ही लेंगे 32। पिंक कलर का तो 16 ले लेते हैं। उसके बाद डन। क्लियरिटी में आते हैं, क्लियरिटी इसकी अराउंड 18 कर देते हैं। बीच को हल्का सा प्लस के साइड, बिगनेट को माइनस के साइड अराउंड 14 ही सही है। टेक्सचर थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, 9 सही है। उसके बाद इसमें आ जाएंगे यहाँ पे शार्पनिंग जितना रख देंगे। उसके बाद मास्किंग थोड़ा इतना बढ़ा देंगे, नॉइज रिडक्शन फुल कर देंगे ताकि हमारा फेस पूरा स्मूथ हो जाए। कलर नॉइज रिडक्शन है, इसको भी
अराउंड इतना कर देंगे। उसके बाद आप सब देख सकते हैं बिफोर आफ्टर, यहाँ से शेयर पर क्लिक करके सेव टू डिवाइस कर लेंगे। हमारा फोटो एक्सपोर्ट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही न्यू वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू सो मच।